आज के इस गरिमामय आयोजन में मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय संसदीय सचिव गृह श्री विकास उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी, माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय विधायक श्री धनेंद्र साहू जी, माननीय विधायक श्री अमितेश शुक्ला जी, माननीय महापौर रायपुर नगर निगम एजाज डेबर जी, माननीय सभापति नगर निगम रायपुर श्री प्रमोद दुबे जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों के सम्मानी परिवारजन, आप सभी का इस आयोजन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सभी देशवासी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 11 से 17 अगस्त तक हमर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अमर शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर देश की सुरक्षा एवं छत्तीसगढ़ राज्य की आंतरिक सुरक्षा में कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति हम सभी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में रायपुर ज़िले में निवासरत 18 शहीद परिवार उपस्थित हैं। उपस्थित परिजनों में से 2 राज्य पुलिस सेवा, 5 आर्मी, 8 जिला पुलिस बल एवं 3 छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वीर शहीदों के परिवारजन हैं। देश की सुरक्षा और आन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सभी सम्मानी परिवारजनों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।